हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल कटिकिया, यू आर वॉचिंग स्टार के 401। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में अपनी कार को पेंट करने वाले हैं। मतलब कि ये वाली वीडियो अपने दो पार्ट में आएगी, एक अपनी पेंट पर रहेगी और ये वाली वीडियो जो अभी बन रही है वो अपनी पुट्टी पर रहेगी। क्योंकि आपने कई वीडियो में देखा होगा कि कई भाइयों ने कमेंट करके बताया कि योर कार नीड पेंट, तो ठीक है चलो जैसे जैसे पुट्टी वुट्टी का इंतजाम किया है और गाड़ी को पहले पुट्टी करेंगे, पहले लेवल करेंगे। जैसे कि आगे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मेरे बोनेट का काफ़ी, जैसे कि मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि काफ़ी गड्ढा टाइप हो चुका है और उसको लेवल करेंगे हम, डेंट नहीं रिमूव करेंगे हम, क्या करेंगे उस पर नॉर्मली पुट्टी लगा कर लेवल कर देंगे। ओके गाइस, और पुट्टी भी आगे दिखा दूंगा और कौन सा सैंड पेपर यूज़ करें वही भी आपको दिखा दूंगा और पूरी प्रोसेस भी दिखाऊंगा। मैं इस काम में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस भी देखे उसके रिलेटिव, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ होगा, तो आपको ही दिखाऊंगा कैसे मैं करता हूँ और कैसे नहीं। ओके गाइस, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और बगल में ऑल कर दीजिए घंटे को। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहने वाली है अपनी पुट्टी, जैसे कि आप देख सकते हो ये फोर्स की रहने वाली है और ये 1 kg की है और इसको प्राइस मेरे को 300 rupees पड़ी है पुट्टी की। ओके गाइस, और इसके साथ हमको इसका ये हार्डनर मिला है जो इसके साथ मिलाएंगे। ओके गाइस, और क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ, 2 sandpaper लिए हमने, कौन से नंबर के तो आपको दिखा दूँ, 80 नंबर के थे हमके। ओके गाइस, और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी 80 नंबर का लिए हमने दोनों। ओके गाइस, और ये अपनी पुट्टी, और इसको मैंने यूज़ किया है, थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है कैसे होता है और कैसे नहीं, तो जैसे कि आपको दिखाई देता हूँ फाइनली। चलिए आ जाइए, आपको दिखाई देता हूँ। सो गाइस, इधर आप देख सकते हो इधर हमने पुट्टी लगाई है। ओके गाइस, बराबर से तो नहीं लगी पर ठीक ठाक ही लगी है अपनी। ओके गाइस, क्योंकि पहले इसकी सरफेस थी ना कुछ ऐसी थी। ओके, हमने पेंट डेंट रिमूव नहीं किए, डायरेक्ट ऐसी ही सरफेस थी इधर भी, तो हमने क्या डायरेक्ट पुट्टी लगा कर इसको लेवल कर दिया, जिसके आप देख सकते डेंट वेंट कुछ नहीं दिख रहा, पहले इसकी तरह कुछ दिख रहा था। ओके गाइस, और इधर भी हमने थोड़ी लगा दी, देख सकते हैं आप। ओके, ये सैंड पेपर थोड़ा घिस दिया है कि अब आगे आ जाइए, तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी गड्ढा टाइप हो चुका है इधर। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो और इधर, ओके, और इधर पूरा पेंट फेड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो और ये जो है ना डेंट डे अपने, ओके, थोड़ा बहुत डेंट पड़ गया था, हो गया था, तो अब क्या करें, नॉर्मली इधर हम डेंट रिमूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली पुट्टी लगा देंगे और एक लेवल टाइप कर देंगे। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इधर पुट्टी अप्लाई करता हूँ, और पुट्टी कैसे करते वो सब कुछ आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करते। गाइस, ये अपनी पुट्टी रहने वाली है, तो उसको नॉर्मली खोल देते और रेडी यूज़ करके रखा हमने। ओके, ऐसा कुछ इसका अंदर से दिखती है पुट्टी। ओके गाइस, तो इसमें से थोड़ी ले लेते हैं हम, थोड़ा मिला देते हैं। ओके गाइस, तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं, अब इतनी तो बहुत हो जाएगी हमें। हम एक काम करते इधर अपना तो इसको ढक देते पहले। ओके, इसका हार्डनर है जो इधर मिला देते। ओके गाइस, थोड़ा बहुत आपका अंदाजा से मिला देना चाहिए। ओके गाइस, हार्डनर अब क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते प्रॉपरली। मैं एक्सपर्ट नहीं उस पर करने में, तो भी करते हैं थोड़ा बहुत। ओके गाइस, सो गाइस ये अच्छे से मिक्स हो चुका, अब इसको अप्लाई करते आ जाइए। इधर इधर तो मैंने थोड़ा बहुत लगा दिया, अब इधर लगा देते, थोड़ी ज़्यादा लेते हैं हाथ में।
तो क्या इधर तो बहुत सारी डालनी पड़ेगी तभी अपना खड्डा लेवल में आ जाएगा। तो इधर तो डालते हैं दबा कर तभी कहीं पर अपना लेवल में आ जाएगा। गलती नहीं सो गाइस अपनी पुट्टी तो कम पड़ी है तो थोड़ी और पुट्टी लाते हैं और इधर अप्लाई करते हैं। ये जल्दी सूख जाता है। इस पुट्टी का फर्स्ट कोट हमने लगा दिया और गाइस एक गड़बड़ हो गई क्योंकि हमने वो हार्डनर ज़्यादा डाल दिया शायद मेरे ख्याल से, या फिर टाइम लगा दिया पुट्टी लगाने में, इसलिए पुट्टी ऐसी कुछ लगी। इसमें जो घाटे टाइप आते हैं कुछ छोटे छोटे वो पड़ गए थे, उसी के लिए ऐसा कुछ हो गया। तो हमने क्या करेंगे अभी, इधर मैंने कपड़ा घिसा तो थोड़ा बहुत सही हुआ, तो इस थोड़ा सूख जाए कम्प्लीटली तो इधर सैंड पेपर घिस देंगे, लेवल करेंगे, फिर दूसरी कोट इसके पुट्टी की चढ़ाएंगे हम। ओके गाइस, तो इधर देख सकते हैं, इधर 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 हो गया वो साला, और इधर देखिए इधर कंप्लीट आया है, बाकी इधर कंप्लीट आया, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, बाकी इधर इसे घंटे टाइप हो गई पुट्टी सूखने में, या फिर हार्डनर ज़्यादा डाल दिया होगा इसीलिए, पर तो ही चलेगा। हम दूसरी को इसको काट डालेंगे ऊपर से, सॉरी एक लेयर और एक प्लेन टाइप हो जाएगी, तब उसमें दूसरी लेयर चढ़ा देंगे। ओके गाइस, और अपना डेंट भी देख सकते हैं काफ़ी हद तक ढक गया, मैं पूरा आपको दिखा नहीं पाया ठीक से क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ने वाला, सॉरी मोबाइल पकड़ने वाला ही कोई नहीं था, तो इसलिए आपको थोड़ा दिखा नहीं पाया। ओके गाइस, अभी देख सकते हैं कि अपना लेवल तो आ चुका है, थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क है, इधर इतने में वहाँ पर एक लेयर आ जाएगी कम्प्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या इसको सूखने देते फिर इसके ऊपर घिस देते सैंड पेपर। ओके गाइस, तो गाइस हमने तो पुट्टी का काम तो फाइनल डन कर दिया है, पर सिर्फ सैंडिंग करनी ही बाकी है, लगा तो डाली है पुट्टी। ओके गाइस, जैसे तैसे तो मतलब कि कुछ पूछो ही मत, देख सकते हैं आपको पुट्टी दिखाता हूँ, ऐसी कुछ लग रही है अपनी पुट्टी। सर ये तो टट्टी है, पर हाँ लेवल आ चुका है इसका एकदम, जैसे कि आप देख सकते लेवल, जो इधर पहले गड्ढा टाइप था ना वो अभी नहीं है इधर। ओके गाइस, तो अब क्या करें, सैंड पेपर से अच्छे से इसको घिस देते हैं, और यार क्या बताओ क्या कैसे कैसे पुट्टी की है, जैसे पुट्टी ले रहा था पुट्टी सूख ही जा रही थी, लगाने से पहले ही सूख जा रही थी पुट्टी, पर जैसे तैसे करके लगाया है। अब क्या करते हैं, सब पहले इस पर सैंडिंग कर देते और इसको एक बढ़िया सा प्लेन सरफेस कर देते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, दिख रहा है अभी, अब ये प्लेन हो जाएगा तो बढ़िया दिखेगा, जैसे कि आपको इधर दिखा दो तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, इस पर हाथ आप घुमाएंगे तो अभी एकदम बढ़िया सरफेस लग रही है, और इस पर थोड़ी उबड़ खाबड़ टाइप कुछ लग रही है तो ये भी स्मूथ हो जाएगी अपने सैंडिंग करने से। ओके गाइस, तो फटाफट से इस पर सैंडिंग करते, और हाँ गाइस आपको दिखा दूँ कि हमने इस पर एक कोटिंग नहीं की थी। ओके गाइस, मैंने मल्टी कोटिंग की थी, जैसे कि एक कोटिंग की फर्स्ट वाली वो तो अपनी सही से गई नहीं, पर तो भी हमने जैसे तैसे उसको फैला दिए सरफेस पे, और फिर 5-6 मिनट रुके फिर सूख गई तो हमने दूसरी चढ़ा दी, फिर 5-6 मिनट रुके और दूसरी, ऐसे करके हमने इस पर 4 लेयर चढ़ाई है तभी ये ऐसी कुछ हुई है। ओके गाइस, और यार हमें क्या एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट ही कर सकता है, हमें एक्सपर्ट नहीं थे इस पर करने में। ओके गाइस, बस जैसे तैसे हमने किया है। ओके, तो देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। ओके, तो गाइस देख सकते हैं आप हमें 2 पेपर मिले थे इसके साथ। ओके गाइस, जो हमने टुकड़े कर दिए तो ये थोड़ा हार्ड है और ये थोड़ा स्मूथ है, तो हम क्या करें सबसे पहले हमें इसको काटना है, इसलिए ये हार्ड वाले का पहले यूज़ करेंगे फिर स्मूथ करने के लिए इस वाले का यूज़ करेंगे। ओके, 2 80 नंबर के जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, और ये भी 80 नंबर का है, चलो घिसते हैं फटाफट से। Thank you.
सो गाइस इसको उड़ा देते पहले। हाँ और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से लेवल में आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा, और एकदम स्मूथली हाथ अपना घूम रहा है इस पर। और थोड़ा बहुत और भी घिसना पड़ेगा, और मेरा हाथ देख सकते हो, और ये गाड़ी देख सकते हो पूरी, और मेरे कपड़े देखिए साला, घिसते घिसते पूरी हालत ख़राब हो गई है मेरी, सुबह से शाम हो गई है घिसते घिसते। आप जैसे कि देख सकते हो इसको उड़ा देते और ये कपड़ा मारते, आपको अच्छे समझ में। ओके गाइस अब आप देखिए ये जो पुट्टी अपनी तो थोड़ी बहुत ऐसी वैसी हो रखी है, ये घिसेंगे तो एकदम लेवल में आ जाएगी। ओके गाइस जैसे कि इधर भी देख सकते हैं आप, इधर इधर पूरी लेवल में आ चुकी थोड़ी बहुत, इधर भी देख सकते हैं आप, इधर पूरी लेवल में आ चुकी, थोड़े बहुत ही बाकी है वो हो जाएंगे, फिर प्रॉपरली लेवल में आ जाएगी। और इधर क्या देखिए, इधर तो आ ही चुकी है। ओके गाइस थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, क्योंकि एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट ही होता है, और इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है यार। मेरे को लगा कि कुछ पैसे, जैसे कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं पेंटर के पास भी गया था अपना बोनेट ले सॉरी कार लेकर, और बोला था कि सिर्फ बोनेट ही आपको पेंट चाहिए हमको, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, और उन्होंने जितनी प्राइस बोली वो मैं आपको लास्ट में बोलूँगा। ओके गाइस तो अभी देख सकते थोड़ी बहुत और घिस देते हैं, ओके और फिर डन करते और फिर लास्ट में आपको दिखाता हूँ। चलिए गाइस घिसते घिसते काफ़ी वो हो चुका है, और अपना घिस तो चुका हूँ मैं, और आगे आपको दिखा दूंगा कैसी लग रही है कैसी। और बात कर देते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था कि किसी पेंटर के पास से अपनी कार पेंट करवाते हैं, पर एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं पेंटर के पास लेकर गया कार को, और भैया ने बोला कि 4,000 रुपये लगेंगे पेंटिंग के, सॉरी 3,500 से 4,000 के बीच में ऐसा कुछ बोला था यार, मैं एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं, पर 4,000 या 3,500 दोनों में से एक बोला था उन्होंने, कम से कम 1 महीने पहले लेकर गया था मैं उनके पास। ओके गाइस तो फिर मैंने रहने दिया और दूसरे भाई से पूछा, दोस्तों ने उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि पहले पेंट सॉरी डेंट निकालना पड़ेगा, फिर लेवल करना पड़ेगा, और फिर पेंट होगा आपका। तो 4,000 सिर्फ बोनेट का, सिर्फ बोनेट का ही मेरे को बोल रहे थे भाई साहब। तो फिर मैंने रहने दिया और मैं सोचा कि खुद ही पेंट कर लेता है, क्योंकि घर कोई अपनी कोई नई कार नहीं, अगर अपने पास कोई नई कार हो अच्छी दिख रही हो तो उस पर बाहर से पेंट कराए थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके और अपनी तो पुरानी कार है, अगर आप अगर से मैंने बोनेट सिर्फ पेंट करवा दिया तो पूरी गाड़ी अलग और बोनेट अलग, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने रहने दिया। और देख सकते हैं आप मैंने 300 रुपये 300 रुपये की पुट्टी ली, ओके गाइस और बोनेट पर लगा दी। अब ये लेवल हो चुका है, जैसे कि आगे आपको दिखा दूंगा, अब ये लेवल हो चुका है तो बस ये फिर क्या करेंगे हम कि पेंट ले आएंगे। पेंट हमको कितने का पड़ेगा, बहुत जोर मार लगा दे हम तो 500 रुपये का पड़ेगा। ओके गाइस क्योंकि 500 रुपये पड़ेगा नहीं, कम ही का ही पड़ेगा, पर हम कुछ ज़्यादा भी पेंट कर रहे हैं अपने रूफ रूफ तो उसके लिए हो सकता है, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ। ओके गाइस ये फिक्स नहीं एक रूफ पेंट करूँगा। ओके तो मान लीजिए कि 500 रुपये जन तकरीबन होगा, तो 300 और 500 800 रुपये हुए, 800 में ही डन हो रहा, मैं उसको 4,000 किस बात के लो। ये यही सोच कर मैंने खुद ही पेंट करना शुरू कर दिया, और आप देख सकते पुट्टी पुट्टी हाथ में लगी, साफ करना पड़ेगा अच्छे से। ओके और आप देखिए अपनी गाड़ी को कैसी हो रखी है, वो खड़ी अपनी कार और अपना सारा काम डन हो चुका है। तो नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। सो गाइस इसी कुछ दिख रही है अपनी कार, और पहले जैसे खड्डा तो है ही नहीं इस पर, देख सकते आप है एकदम स्मूथ सरफेस हो गई, और हमने वाटर से अच्छे से इसको क्लीन भी कर दिया है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ओके हमने इस पर 4 लेयर चढ़ाई थी पुट्टी की, ओके और फिर सैंडिंग कर दी है। 2 पेपर हमने 80 mm के यूज़ किए थे, सॉरी 80 नंबर के यूज़ किए थे। ओके और ऐसा कुछ दिख रहा है फाइनल। ओके गाइस और हम इसके दूसरे पार्ट में, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि पॉकेट मनी से मैं ये पुट्टी लाया था। ओके तो अभी थोड़े दिन रुक जाते, 1-2 दिन उसके बाद तो शायद मेरे पास थोड़े बहुत है तो पेंट भी आ जाएगा अपना, तो फिर उस पर पेंट कर देंगे। ओके गाइस और देख सकते हो पुट्टी अपनी ऐसी कुछ दिख रही है, इधर साइड में थोड़ी बहुत छिल गई वो चलेगी, और आप देख सकते हो अपनी पुट्टी को थोड़ा बहुत ये बहुत रह गया है। ओके गाइस और आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपने घर पर करने का, तो मैं आपको यही कहूँगा अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये सब कुछ कर भी सकते, काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। ओके गाइस ये सब कुछ करने में, ओके
और वो तो फिर लोग आपको देखते, यार मेरे को कितने लोग पड़े, ये क्या पागलों की तरह कर रहा है वो, और ये वो सबको इग्नोर कीजिए और अपना काम कीजिए, वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब इस पर पेंट आ जाएगा तो बढ़िया लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि दो स्केल लाओ, एक तो जैसे कि आप लिखते हो अपनी सिल्वर कलर की, जो अपना बोनेट होगा वो पूरा सिल्वर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया दे देता आपको, पूरा सिल्वर हो जाएगा। और सोच रहा हूँ कि अपनी जो रूफ है उसको ब्लैक करा दूँ, जो है बीच में से देख रहे दो ब्लैक लाइन दिख रही है उसके बीच में से अपनी रेल पूरी ग्लोजी ब्लैक करवा दूँ। ओके गाइस, तो कैसा रहेगा? अगर अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगेगा तो फिर मैं करवाता हूँ। ओके गाइस, और ये तो अपना पूरा सिल्वर ही हो जाएगा। और सोच रहा हूँ कि इधर लाइनें खिंचवा दूँ, जैसे ब्लैक वाली आती है ना लाइन, वैसे कुछ पेंट में करेंगे हम, और इधर से शायद देख रहा हूँ मैं। ओके, फिर सोचूंगा बोचूंगा फिर करूँगा, अभी तो सिर्फ कह रहा हूँ। ओके गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में अपना सब कुछ पेंट वेंट हो जाएगा। ओके गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि पार्ट 2 जल्दी बनाइए। ओके गाइस, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिले ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।